एआई के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आज की डेट में, उन्होंने आज से 10-20 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगा तो सबसे पहले जो जॉब्स जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रोबोटिक्स आएगा और वाली जॉब चली जाएंगी। ऐसे हमने मूवीज में भी देखा है, साईफाई मूवीज में। फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो। उसके बाद में आखिरी में जो जॉब जाएंगी वो होंगी क्रिएटिव जॉब्स, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, विजुअलाइजर्स हो गए, राइटर्स हो गए। इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी मेरी बात। एक काम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूं, तब शायद आप लोगों का दिमाग खुलेगा। अपने पास में एक इमेज होगी जो मैंने क्रिएट करी थी एआई से, वो यहां पर प्ले करता हूं एक बार। अब ध्यान से देखो इस इमेज को, क्या देखने में किसी भी एंगल से नकली लग रही है, रोबोट लग रही है, या एक असली फीमेल लग रही है? इन लोगों ने क्या किया है, बिलियंस ऑफ इमेजेस जो इंटरनेट पे हैं, यानी कि हमारी इमेजेस और हम जैसे और लोगों की इमेजेस, उन सबको बिना हमारी परमिशन के इन लोगों ने क्या किया, उसको रीड किया, उसको समझा, उससे सीख लिया। तो कहीं से आंखें पिक करी, कहीं से नाक पिक करी, कहीं से लिप्स पिक करे, कहीं से ज्वेलरी पिक करी, कहीं और से कुछ पिक किया। अब ये फीमेल, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बट शी इज एज गुड एज अ टॉप मॉडल। ध्यान से समझो कितने लोगों की जॉब जाने वाली है इसकी वजह से। इसकी मतलब इस लड़की की वजह से नहीं, क्योंकि लड़की तो कहीं है ही नहीं। इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एक्चुअल में लड़की कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मॉडल अगर हम वैसे हायर करते तो इसके जो फीचर्स है, जो लुक है, इसको कम से कम हमको पेमेंट करनी पड़ती 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए एक दिन की। ये शूट करने के लिए हमको पूरा एक सेट बनाना पड़ता जिसकी कॉस्ट होती अगेन 15-20,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए। इसके लिए एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता, क्योंकि ये इमेज ऑर्डिनरी इमेज नहीं है। आप लोग एमेच्योर्स हो तो आपको पता नहीं लगेगा, बट दिस इज वेरी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी। तो इसके लिए जो फोटोग्राफर चाहिए वो उस लेवल का चाहिए जो एक दिन का चार्ज करेगा कम से कम 50,000 रुपए से लेकर के लाख रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट होगी कम से कम 5,000 से 10,000 रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक स्टाइलिस्ट जो कि ये गारमेंट्स को हायर करेगा, ज्वेलरी को हायर करेगा या करेगी, व्हाटएवर। तो कितने सारे लोग चाहिए। अब इन सब लोगों का क्या होगा? तो मैं सच को देख पा रहा हूं, आई एम नॉट इन अ डिनायल मोड लाइक मोस्ट ऑफ यू। तो आने वाले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, जब इसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी तो हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएंगी। तो उन फोटोग्राफर्स का क्या होगा, मॉडल्स का क्या होगा, स्टाइलिस्ट का क्या होगा, ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या होगा? इसके अंदर एडिटिंग हो रखी है बहुत अच्छे लेवल की। तो एक झटके के अंदर अंदर कितनी जॉब चली गई, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और इसी एग्जाम्पल को जब आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग के एंगल से समझोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कितने प्रोग्रामर्स लगे चैट जीपीटी को इतना बड़ा कुछ बनाने में? 200 जितने लोग अभी यहां बैठे हैं, बस उसमें कुछ ऐसा बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। तो जब उसके जैसी 100 कंपनीज कुछ अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करेगी तो सोचो क्या होने वाला है अगले 2-3 साल बाद।